हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप एंड OB, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है कि FVG क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और आप इसका जो है यूज करके अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके अपन प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एक फ्री प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर डेली नाइट के अंदर 9 PM हमारी एक लाइव क्लास होती है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMC के कुछ कॉन्सेप्ट डेली समझाए जाते हैं। अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो चैनल है, एक जिसपे आप हमारे से डायरेक्ट चैट कन्वर्सेशन करेंगे, एक जिसमें आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ कैंडल्स ड्रॉ की है। ठीक है, मार्केट सपोज करिए कि डाउन से अप साइड की तरफ यहाँ पे मार्केट जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बाई साइड के लिए देखने वाले हैं कि FVG बाई साइड के लिए कैसे काम करता है एंड सेल साइड के लिए कैसे काम करता है। अपन दोनों साइड के लिए यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में आपको जब भी फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन FVG की बात करेंगे, फेयर वैल्यू गैप। तो इसके लिए एक कंडीशन है, कंडीशन ये कि आप किसी भी एक कैंडल को रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी एज ए फर्स्ट कैंडल काम करेगी। ठीक है, अगर मार्केट बाई साइड में जा रहा है एंड देन उसी कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्या होगा, हाई। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट कोई भी एक कैंडल आप सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट कैंडल का जो हाई होगा उसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे मैं आपके सामने मार्किंग भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कैंडल मैंने सपोज किया एंड यहाँ से मैंने कुछ इस तरह क्या लेफ्ट से राइट की तरफ एक मार्किंग की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई एंड सेकेंड कैंडल जो है वो कोई मैटर नहीं करेगी, सेकेंड कैंडल को आप एज इट इज रहने दीजिए, सेकेंड कैंडल पे आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, थर्ड कैंडल पे जाना है। ठीक है, और थर्ड कैंडल का क्या करना है, यहाँ पे थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है। ठीक है, कैसे करना है, ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई और ये आपकी थर्ड कैंडल हो गई। तो थर्ड कैंडल का मैंने यहाँ पे क्या बोला, लो मार्क करना है। तो ये आपका क्या होगा, थर्ड कैंडल का लो आपने कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और थर्ड कैंडल का जो लो है, इसके बीच में जो गैप है इसको कहते हैं अपन फेयर वैल्यू गैप, और इसको मार्किंग कुछ इस तरीके से किया जाता है। अब आप बोलोगे ये बीच में तो सेकंड कैंडल आ गई ना, नहीं, सेकंड कैंडल का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ना सेकंड कैंडल को आपको छेड़ना है, ना कुछ उसमें अलग तरीके का आप जुगाड़ करेंगे कि हाँ ये ऐसे वैसे, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करेगा। अब उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे अब फर्स्ट कंडीशन लेता हूं कि सपोज करिए अगर ऐसा नहीं होता है देन उस केस में आप क्या करेंगे। सपोज करिए कि मार्केट यहां से क्या करता है कि थोड़ा सा डाउन आ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल के हाई को टच कर देता है। कौन सा करता है, थर्ड कैंडल का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई को टच कर देता है। तो अब क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट कैंडल है अब आपकी वैलिड काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसको टच कर दिया। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट रूल ये होगा कि कभी भी मार्केट जो है थर्ड कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के हाई को टच ना करे, ना स्वीप करे, ना उसके नीचे कैंडल क्लोज करे। क्लियर हो गया, रिपीट कर देता हूँ अगेन। अगर आपका मार्केट क्या करता है, बाई साइड में जा रहा है एंड देन मार्केट क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई को अगर कोई ब्रेक करता है, स्वीप करता है, या कैंडल टच करता है, या इक्वल देता है उसके, तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे FVG का फर्स्ट रूल। ठीक है, अब सेकेंड रूल की बात करते हैं। सपोज करिए ये कैंडल यहाँ पे ही है, तो इतना बड़ा आपका FVG हो गया, कैसे मार्किंग करेंगे अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। देन उसके बाद क्या होता है, आपने कुछ इस तरीके से मार्किंग की, ठीक है, कि थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, आपने कुछ इस तरीके से इनकी मार्किंग कर दी है, एम आई राइट। मार्किंग करने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने मार्किंग की,
तो अब आप देखते हैं कि जो फोर्थ कैंडल बनती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है यहाँ पे, और वो थर्ड कैंडल के विक को ब्रेक कर देती है। ठीक है, थर्ड कैंडल के विक को क्या करती है, हल्का सा टच करती है, ब्रेक कर देती है, आप कैसे भी कह सकते हैं इस केस को, डजंट मैटर। ठीक है, हल्का सा इसको स्वीप कर देती है। तो अब आप ये समझिए मेरा जो कहने का पर्पज है एक्चुअल में क्या है, कि अगर थर्ड कैंडल के नीचे कोई विक आती है, ठीक है, तो अब तक आपका क्या था, जो एफवीजी था वो यहां तक था, लेकिन जैसे ही इस कैंडल ने स्वीप किया तो अब आपका ये एफवीजी सिर्फ इतना सा बच जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी मार्केट आएगा तो इस एफवीजी से कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन आएगा। ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से टैप करके मार्केट यहां से अप जाएगा एंड एंट्री प्लान करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि एफवीजी जो होता है वो क्या होता है, एंड दो रूल मैंने आपको एफवीजी के बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल सपोज करिए, थर्ड रूल में क्या होता है कि मार्केट जो होता है ये यहीं पे रहता है, विक बड़ा छोटा कैसे भी कर लीजिए। यहां पे क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाती है। ठीक है, तो अब आप समझिए, फर्स्ट कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका डायरेक्टली जब थर्ड कैंडल बनना स्टार्ट हुई उसी टाइम। तो आपकी ये जो फर्स्ट कैंडल है, अब ये फर्स्ट कैंडल काउंट नहीं करी जाएगी। तो आपको कौन सी कैंडल यहाँ पे लेनी है, अब आपको जो कैंडल लेनी है यहाँ पे, ये वाली लेनी, अब ये आपकी फर्स्ट कैंडल काम करेगी। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई एंड ये थर्ड कैंडल का लो, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने इसको भी स्वीप कर दिया, तो अब आपका ये भी काम नहीं करेगा। सपोज करिए अगर ये स्वीप नहीं किया होता, कुछ इस तरीके से रहता था, ठीक है, कुछ इस तरीके रहता, तो यहां से आप टॉप हाई से लेकर इसके बीच में जो गैप होता इसको आप मार्किंग करते, और इसको बोलते अपन एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि मैं क्या समझा रहा हूं और क्या आपको कह रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग सिनेरियो आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सपोज करिए अब ये क्या करता है, मार्केट यहाँ पे हल्का सा देता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बनती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कैंडल्स बनना स्टार्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बनती। अब इसमें आपका एफवीजी क्या है, एफवीजी वही सेम रहेगा यहां से यहां तक, इतना सा एफवीजी सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि ये कैंडल्स ऊपर बन रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हर कैंडल पे एफवीजी देखना है, आपको एफवीजी किस किस पोजीशन पे देखना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सा पढ़ा रहा हूं कि एफवीजी क्या होता है, एफवीजी पे आप कैसे देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वैलिड एफवीजी होगा, अगर मार्केट उसको टैप कर देता है तो वहां पे आप कैसे चीजें देखेंगे। तो आई होप आपको एफवीजी का पॉइंट क्लियर हो गया होगा बाय साइड के लिए। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं सारी चीज़ें, आपको समझाने में इजी होगा। ठीक है, सपोज करिए मैं रिपीट कर रहा हूँ और ध्यान से देखना इस बार, आपको मार्केट जो है डायरेक्शन देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बाई साइड में है या सेल साइड में। अगर मार्केट बाई साइड में है तो कोई भी आपको एक कैंडल सेलेक्ट करनी है और उस कैंडल का क्या करना है, आपको हाई मार्क कर देना है। जैसे मैंने एक कैंडल सेलेक्ट की और इसका ये हाई मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सेकंड केस में आपको क्या करना है कि सेकंड जो कैंडल है उसको कुछ भी नहीं करना, थर्ड कैंडल का आपको लो मार्क करना है, यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का जो लो होगा, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, और इसी का दूसरा नाम है इम्बैलेंस, जिसको आप IMB के नाम से जानते हैं, काफी अलग अलग लोग अलग अलग नेम से कॉल करते हैं इसको, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ प्राइस नहीं है, मतलब मार्केट मेकर्स यहाँ ट्रैप कर रहे हैं, प्राइस नहीं है, मार्केट दोबारा आएगा तो प्राइस लेने आएगा, कुछ भी समझ लीजिए। बट ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है बहुत ज़्यादा काम करता है, आप 99% एंट्रीज इस पे प्लान कर सकते हैं। आप एक दिन के वाली बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आप हर टाइम इस पे प्लान करेंगे, एक दिन के अंदर अंदर जैसे 5-6 एंट्री आपने ढूंढी तो आप 4-5 एंट्री आराम से ले सकते हैं उस पे। ठीक है, अब आपको फेयर वैल्यू गैप क्लियर होगा। अब अपन देखते हैं फेयर वैल्यू गैप सेल साइड के लिए। सेल साइड में क्या होगा, मैं लिख देता हूं,
ठीक है, सेल साइड के लिए मैं यहाँ पे FVG लिख देता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका होगा सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल का यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, थर्ड कैंडल का आपका यहाँ पे हाई होगा, यानी फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, सपोज करिए आपकी ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल का लो कौन सा है, ये वाला पॉइंट लो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लो है फर्स्ट कैंडल का। उसके बाद में थर्ड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल कौन सी, ये वाली, थर्ड कैंडल का लो, तो इसके बीच का जो गैप है ये आपका हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है, ठीक है, सारे बाकी जो रूल्स है, जैसे इसको टच नहीं करना चाहिए, थर्ड कैंडल के विक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बाकी वो जो सारे रूल्स है वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, क्या होता है, इसको कैसे आप मार्किंग कर सकते हैं, वैलिड कौन सा रहेगा, इनवैलिड कौन सा रहेगा। अब बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं, चाहे मार्केट बाई साइड में हो चाहे सेल साइड में, जो FVG है यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, अब मार्केट सेल साइड में है, तो FVG की जो फर्स्ट कैंडल है यानी कि ये वाली कैंडल, इसका आपको क्या करना है कि इस लो से आपको कुछ इस तरीके से मार्किंग करनी है इसकी बॉडी के यहां तक, हाई तक, ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अगर आपको FVG फाइंड आउट करना आ गया तो ऑर्डर ब्लॉक आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी अदर नॉलेज, राइट, कि जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके लिए पहली कंडीशन ये, आप FVG फाइंड आउट करिए और FVG के जो ऊपर वाली कैंडल होगी जस्ट आपकी एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेगी, ठीक है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये ढूंढेंगे कहाँ, मिलेगा कैसे, मैं आपको चार्ट पे भी ले चल के सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका मैंने सेल साइड का बता दिया, अब इसी को अपन बाई साइड के लिए समझते हैं। तो बाई साइड में क्या होगा, वही सेम चीज, क्या कि जहां से अपन FVG मार्क कर रहे थे तो फर्स्ट कैंडल का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, यहां से यहां तक, यह आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो आपको मैंने पढ़ाया है FVG और ऑर्डर ब्लॉक, अब इसको अपन चार्ट पे देखते हैं कि ये चीजें काम कैसे करती है, क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे अपन इसको समझेंगे। तो अपन कोई भी एक रैंडम चार्ट ले लेते हैं जिसपे अपने को ये चीजें समझनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने ये यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट लिया हुआ है, ठीक है, इस पे अपन देखते हैं रेंडमली तरीके से कि FVG क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अपन सेल साइड में देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, मैं इसको भी ले सकता हूँ फर्स्ट कैंडल, ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, लेकिन मार्केट तो थर्ड कैंडल के ऊपर चले गया तो ये कैंडल तो काम करेगी नहीं। अब इस रेड कैंडल पे आ जाइए, फर्स्ट कैंडल का क्या करना है, लो मार्क करना है, फर्स्ट कैंडल का मैंने लो मार्क कर लिया है, और थर्ड कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल कौन सी, ये वाली, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल ऊपर बनाई और सिक्स कैंडल नीचे बनाई, तो ये मेरा रिफाइनमेंट जोन ये हो गया यहां तक। अब जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम इस जोन के अंदर आएगा मैं क्या करूंगा, सेल का प्लानिंग करूंगा कुछ कंफर्मेशन एंट्रीज वगैरह देख के। तो मेरा फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया, इस कैंडल से यहां तक के बीच में जो गैप है इसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं। अब आप बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक का है तो सेल साइड में ऑर्डर ब्लॉक कैसे देखना, ये देखिए इसी कैंडल का सबसे लो पॉइंट और इसी का बॉडी के यहां हाई तक, ये होता है आपका क्या, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपको मैंने मार्किंग करके दिखाया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, FVG क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं अभी सेल साइड में देख लेते हैं कुछ, फिर बाई साइड में अपन चलेंगे। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको और है यहाँ पे कुछ। देखिए ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो वही फर्स्ट कैंडल का आपको क्या करना है, लो मार्क करना है, और थर्ड कैंडल का आपको हाई मार्क करना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के ओपन गैप को मार्क कर देते हैं, कैसे, ऐसे रेक्टेंगल के माध्यम से। तो मार्केट क्या हुआ,
ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सॉरी एफवीजी। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई, इसको बोलते हैं अपन एफवीजी। और एफवीजी के अंदर क्या हुआ कि मार्केट कुछ टाइम बाद वापिस है एंड यहीं से रिटेस्ट करके सेल के लिए चले गया। ठीक है, ये बहुत अच्छी सी एंट्री आपको देखने को मिले होगी। और इस कैंडल का यहां से लेकर इस टॉप हाई तक ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एफवीजी पे और ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, ये आपका ग्रीन कैंडल है, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का अपन ने लो मार्क कर दिया। ठीक है, ये सेकंड कैंडल हो गई और थर्ड कैंडल ने इसको टच कर दिया, तो मतलब ये वाली कैंडल अब आपके लिए काम नहीं करेगी, तो अपन नेक्स्ट कैंडल पे स्विफ्ट हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल बनते इसका लो। ठीक है, ये आ गया थर्ड कैंडल। अब इसको अपन ने क्या किया, कुछ इस तरीके से मार्किंग कर दिया, लेकिन क्या हुआ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन कैंडल, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया सपोज करिए। तो अब तक तो यहाँ पे इतना था, तो अब देखिए अपना एफवीजी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसको टच करके नीचे चले गया, तो यहाँ पे एफवीजी अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ तक होता टाइमिंग, ठीक है, और 1 आवर पे अगर आप एंट्री प्लान करते तो आप यहाँ से एक एंट्री ले सकते थे। ये हो गया आपका एफवीजी, और एफवीजी के जस्ट ऊपर वाली कैंडल क्या होगी, ये आपका ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, उसके बाद में ये आपकी थर्ड कैंडल है, तो यहां पे क्या होगा, ये थर्ड कैंडल का हाई, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलते हैं, फियर वैल्यू गैप। ये आ गया एफवीजी, सॉरी एफवीजी। ठीक है, एफवीजी, और एफवीजी के जस्ट ऊपर वाली जो कैंडल ब्लॉक है वो कैसे काम करेगी, एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल है, ये अपनी सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। अब आप बोलोगे तो बैक टू बैक बन रहे हैं, तो इन पे एंट्री कैसे लेनी है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनके एंट्री मॉड्यूल्स अलग अलग है। फिर ये आपका हो गया एफवीजी। ठीक है, इस तरीके से आपको सेल साइड में एफवीजी मार्क करना है। अब बाई साइड के लिए अपन एफवीजी देखते हैं। देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, और थर्ड कैंडल का लो, छोटा सा गैप है, ये आपका हो जाएगा एफवीजी। क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये आपका हो गया एफवीजी। और एफवीजी के जो नीचे वाली कैंडल है जस्ट, ये काउंट होगी आपकी एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और देखते हैं, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, ठीक है, एंड ये थर्ड कैंडल का लो, तो इसके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं एफवीजी। ठीक है, और ये रेड वाली कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। और देखते हैं कुछ एक आधा एग्जांपल। ठीक है, देखिए, ये आपका फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड ये थर्ड कैंडल का लो, बिल्कुल छोटा सा गैप है, तो आप बोलोगे इतने से गैप में टच करेगा, यस डेफिनेटली मार्केट टच करेगा एंड अप या डाउन जाएगा। तो ये वाला नीचे वाला पूरा जोन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा एफवीजी, और जस्ट इसके नीचे वाली कैंडल क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये देखिए, ये मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गया, एफवीजी को इसने टैप किया यहाँ पे, बट रेस्पेक्ट नहीं दिया प्रॉपर। ठीक है, और देखिए, ये आपकी फर्स्ट कैंडल काम करेगी, ठीक है, और ये आपकी थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो,
मार्केट ने टैप किया, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा थोड़ा सा प्रॉफिट दे के यहाँ तक गया मार्केट, तो आप लगभग कंसीडर कर सकते हैं कि 20 to 25 pip आपको मार्केट ने यहाँ पे दिया है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा FVG। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको ये, अदरवाइज मेरे दिखाने से तो बहुत बेटर लग रहा होगा आपको। आई थिंक लग रहा होगा कि सारा कुछ ही समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ FVG, प्रॉपर मार्किंग अपना, और यहाँ पे क्या हुआ, ये FVG हो गया अपना, और नीचे वाली कैंडल क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो आई होप मैंने आज आपको पढ़ाया ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि FVG और ऑर्डर ब्लॉक के साथ में एक आता है यहाँ पे IDM, वैलिड पुल बैक, चोच वगैरह, ये भी सारे अपन देखेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी ही देखने वाले हैं, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक और FVG पे आप एंट्री कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।